सेक्टर 62 और 64 के चौक पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा मीठे पानी की नई पाइपलाइन डालने का कार्य शुभारंभ किया गया। इस मौके पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिपरचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सेक्टर वासियों ने भाजपा नेता टिपरचंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री के भाई ने आश्वासन दिलाया कि बल्लभगढ़ से विधायक एवं हरियाणा सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा ईमानदारी से क्षेत्र का विकास करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद के XEN अजीत सिंह का कहना है कि इस कार्य पर लगभग 25 लाख की लागत आएगी और रेनीवेल के यहाँ यह लाइन सेक्टर 62 सहित आसपास के सेक्टरों में पानी की सप्लाई को पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि इसके बाद सेक्टर की सीवरेज लाइन के कार्य को भी पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद सेक्टर वासियों को आने वाली जीवन और पानी की दिक्कत है जो दूर हो जाएगी। RWA साउथ विंग के प्रधान सीताराम चौधरी का कहना है कि हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ के विकास में लगे हुए हैं। उन्हीं की कृपा से सेक्टर 62 में पीने के पानी की पाइपलाइन को बदला जा रहा है। सेक्टर 62 में बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर एक पानी की लाइन है, नई डाली जा रही है। बहुत दिन से डिमांड थी, लोगों की परेशानी भी थी। हमारी ड्यूटी है पानी बिजली देना, सड़क देना। विधानसभा के इस विधायक की मंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और पूरा करने जा रहे हैं। करीब करीब ये 3-4 सेक्टरों को फायदा होगा, खासकर सेक्टर 62 को होगा। सर, मैं कैप्टन यादव, RWA अध्यक्ष सेक्टर 62। मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी बहुत दिनों से मांग थी और कई बार हम मंत्री जी से मिले हैं। आज हमारी ये मांग इन्होंने पूरी कर दी और उद्घाटन कर दिया। हम इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और आगे भी हमारा इसी तरह से काम करते रहें, ये हम उम्मीद करते हैं। ये रेनिवल की लाइन थी बेसिकली, ये सीवर लाइन जो हमारी डली हुई है ना, मेन मार्चू सीवर लाइन जो सेक्टर 61 में जा रही है, तो उसमें वहाँ सीवर लाइन डालने की दिक्कत आ रही थी, इसलिए उसको लाइन को हम चेंज कर रहे हैं दूसरी साइड में। और इसमें करीबन ये जो पाइप लाइन है 25 लाख रुपए का काम है, ये शिफ्ट करके इसको लाइन को, फिर उस लाइन को वहाँ से निकाल के फिर वहाँ नई सीवर लाइन डाल के जो 62 सेक्टर की जो बहुत भारी समस्या है उसको दूर हो जाएगी। ठीक है, इसमें 1 महीने लगेगा, काम हो जाएगा। यहाँ पाइप लाइन डाली जा रही है सीवरेज की, पानी की भी और सीवरेज की जो है बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारे मंत्री जी और उनके बड़े भाई जो है टिपरचंद जी, इनकी बहुत मेहरबानी है कि इन्होंने जो है एक जनप्रिय के रूप में अच्छा कार्य किया है और आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे ताकि लोगों को जन सुविधाएं मिलती रहें।